नमस्कार किसान भाइयों, आज हो गया 3 सितंबर, दिन हो गया मंगलवार। आज मैं फिर से बताने वाला हूँ कि उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में आलू और प्याज का रेट क्या चल रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से मैं अपने चैनल पर आलू प्याज लहसुन का अपडेट लाकर आता रहता हूँ, और हम चाहते हैं कि अगर आप लोग हमारे वीडियो नए व्यूजर या पुराने व्यूजर हो या पुराने दोस्त या नए दोस्त हो, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इस वीडियो को मेहरबानी करके पूरा देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं रियलिटी में बताने वाला हूं कि आलू प्याज लहसुन का रेट क्या चल रहा है। दोस्तों, आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। तो चलिए बताते हैं कि आज के डेट में आलू प्याज और लहसुन का रेट क्या चल रहा है, तीनों का बारी बारी करके जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आलू का रेट क्या चल रहा है। दोस्तों, आलू की बात करें तो 25 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है, क्विंटल की बात करें तो 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, टन की बात करें तो 25,000 रुपये टन के हिसाब से आलू बिक रहा है, औसत कीमत 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, न्यूनतम मंडी कीमत 2550 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, उच्चतम मंडी कीमत 2535 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है। अब चलिए वही अब जान लेते हैं कि प्याज का रेट क्या चल रहा है। दोस्तों, प्याज की बात करें तो कल से आज 2 रुपये गिरावट देखने को मिला है, और बात करेंगे तो 40 रुपये केजी के हिसाब से प्याज का भाव बिक रहा है, क्विंटल की बात करें तो 4000 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है, टन की बात करें तो 40,000 रुपये टन के हिसाब से बिक रहा है, मिनिमम मार्केट प्राइस 5,045 रुपये क्विंटल चल रहा है, मैक्स मार्केट प्राइस 3,075 रुपये क्विंटल के हिसाब से बिक रहा है।